जय टुंगनाथ बाबा की। एंड दिस इज द वन ऑफ हाईएस्ट शिवा टेंपल इन द माउंटेन। सच में ये हेवन है, किसी हेवन से कम नहीं है। और हर बात और मैं सत्य अब सीधा चंद्रशिला लगने लगे हुए ऊपर। आगे आप लोग आगे वीडियो देखने, आगे हमारे मजे लेने। हमारे ठंड में पटी पड़ी है। मुझे पता है आप लोगों ने जब वीडियो क्लिक करी है तो मजे लेने आई होंगे आप लोग। टुंगना से सिर्फ हम लोग 1 किलोमीटर आगे हैं और वहाँ पर एक जगह है भुलकंज नाम के, और वहाँ पर हमने टेंट लगाया है क्योंकि चौपता में टेंट लगाना अलाउड नहीं है। ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। टेंट का मैं आपको टूर देता हूँ कि कैसा हो रहा है। अभी सत्या जो इसमें गर्म पानी कर रहा है, ठंडा बहुत हो रखा है, बहुत ठंडा हो रखा है। एंड प्लस मैंने जो कंबल लिए हैं, मैंने एक ये वाला कंबल लिया है, ठीक है, एंड सेकंड ये वाला लिया है। इसके बावजूद भी ठंड लगती थी। तू दिखा, मैं तो इसने, इसने एक ये चलो चादर ली, इसने ये, उसने एक ब्लैंकेट ये पूरा लिया हुआ है और एक उसने ये लिया हुआ है। उसके बावजूद भी ठंड लगती थी रात भर। हिमालय गए उसमें हम, हाँ मतलब जो हिमालय ना, वहाँ से ठंडी हवा आ रही थी काफ़ी। और लिटरली बता रहा हूँ, मैंने एक गोप्रो वगैरह यहाँ पर रखे थे, फ़ोन वगैरह यहाँ पर रखा था ना, और यहाँ पर इसमें ओस लगी पड़ी है अंदर बिल्कुल टेंट के, तो इतना ठंडा है सारे, हाँ सब चीज़ गीला हो रखा है। और मैं आपको देता हूँ टेंट का टूर कि टेंट किस तरह से लग रहा है। बड़ा टेंट है तो भी हम पानी गर्म कर रहे हैं क्योंकि पानी ठंडा पानी पिया जा रहा है। चाय भी बनाएंगे यहाँ पे इसमें। और यहाँ पर थोड़ा हेलमेट्स वगैरह, गियर वगैरह रखे हम लोगों ने, यहाँ पर बैग वगैरह। और टूर कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर हम इस तरह से सो रखे थे ये, और यहाँ पर इस तरह से हम लोग सो रखे हैं। थोड़ी देर में हम लोग आपको फ्रेश होके मिलते हैं, तब तक मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। धूप आ गई, लेट्स गो आउट। Guys, amazing. Guys, पानी भी इतना ठंडा हो गया ना। और ये बन गई हमारी मैगी, प्रेशर कुकर में बन रही मैगी। Hey guys, what's up? This is Harry. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys doing absolutely fine. So guys, नए fresh vlog में आपका स्वागत है फिर से। अगर आप सीधा इस vlog में आए हैं तो मैं आपसे request करूँगा कि जाओ और इससे पहले वाला vlog देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग यहाँ कैसे करके पहुँचे हैं, किया और किस तरह से हमने कैंपिंग वगैरह लगाई है। ये फिलहाल अभी हमने कैंपिंग लगाया है, इतने मैगी बना दी है और हम लोग रेडी हो गए हैं। बट यहाँ पर जब रेडी हुए ना तो पानी इतना ठंडा है कि क्या बताओ, बड़ी मुश्किल से रेडी हुए भाई, बहुत ठंडा है। आप जब आ रहे हो तो ब्लैंकेट वगैरह प्रॉपर लेके आइएगा ताकि यू नो आप लोग को ज़्यादा डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े। और गाइज एक चीज़ मुझे आप लोगों को बहुत बतानी है, क्योंकि आप लोगों को ये दिख रही है अगर ये वाली शिला, तो कहते हैं कि यहाँ पर जो है रावण ने यहाँ पर तपस्या की थी, तो तब से इस शिला का नाम रावण शिला हो गया है। और आप लोगों को मैं यहाँ से लोकेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि जहाँ पर हमने कैंपिंग करा बिल्कुल सेफ एरिया है। ये हमारा कैंपिंग स्पॉट है और कैंपिंग के यहाँ पर गांव बने पड़े हैं। ये देखो, ये पूरे गांव है और ये मेन रोड है ऊपर अगर आप देख रहे हैं, और ये होटल्स हैं इनका, और ये पूरा ऐसा है। ये बताना चाह रहा हूँ कि पापा का फ़ोन आया था, पापा सोच रहे थे कि जंगल में कैंपिंग वगैरह मत करना, तो पापा को दिखाने के लिए मैंने कराया कि पापा हमने जंगल में कैंपिंग वगैरह नहीं करी है, अच्छी जगह में कैंपिंग करी है, बिल्कुल सेफ एंड साउंड। सामान यहीं रख देंगे, मैगी वगैरह खाते हैं, मैगी खाने के बाद हम निकलते हैं चौपता से, फिर टुंगनाथ अपना दर्शन वगैरह करके फिर हम निकलेंगे देवरिया ताल के लिए। गाइस हमारी मैगी तैयार हो गई है और ये खा रहा है, हमने बनाई है प्रेशर कुकर में मैगी। सो गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और हमने सारा जो सामान है समेट लिया है, कैंपिंग वगैरह पूरा समेट लिया है और हमने पूरा क्लीन कर दिया है। जैसे था ये पहले जगह हमें मिली थी ना, हमने वैसे क्लीन कर दी है। जो भी हमने कचरा किया था, डस्टबिन किया था, हम अपना लेके जा रहे हैं, वो देखो हमने यहाँ रखा हुआ है। साथ में एक मैसेज देना चाहेंगे, तो सत्या बताइए मैसेज क्या है। गाइस कहना ये चाहूँगा कि जैसे भी जितने भी बाहर के लोग आते हैं, और चाहे उत्तराखंड के क्यों ना हो, अगर आप कैंपिंग करते हैं तो जरूर सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ से गोपेश्वर तक। हम लोगों ने यहाँ पर कैंपिंग करी है एंड बड़ा अच्छी तरह से हमें कैंपिंग वगैरह हो गया, लाइट फैसिलिटीज वगैरह हमें मिल गई थी। और यहाँ के जो ओनर है उनका नंबर प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि जब भी आप लोग आ रहे हो तो यू नो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करो। सो भैया हैं दीपक राणा, तो भैया एक बार अपना नंबर बोल दो सबको, है ना। नंबर है भैया 9193855225। ठीक है, फिर कोई और रेफरेंस लेके आएगा तो उसे अकोमोडेशन दे देना ना। और भाई का नेचर बहुत अच्छा है यार, अब आओगे तो आप खुद ही पता चलेगा राणा जी कितने अच्छे हैं। यहाँ पे ना और राणा जी की सर्विस लेना।
जब भी आप आए तो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा भाई को, है ना? ठीक है भाई, हम निकलते फिर। ओके भाई जी, ओके ओके भाई। सो गाइस फाइनली हम लोग वी जस्ट अराइव्ड एट जोप्टा मार्केट एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टूना टेम्पल। सो ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से, ये मार्केट है पूरी, अगर आप जब आते हो तो ये पूरी मार्केट आपको देखने को मिलेगी। तो बस हम यहाँ से निकलेंगे ऊपर का। सो चलते हैं, ट्रैक स्टार्ट करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम भी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, नाश्ता कर चुके हैं, पानी भर चुके हैं और घूम कर देंगे बस। आप चलते हैं, मिलते हैं आगे। यहाँ पर ना आप लोग हॉर्स भी हायर कर सकते हो और जो राइडिंग के जो चार्जेस हैं, मतलब यहाँ से आप जाओगे ऊपर तो सिर्फ आपको पे करने हैं 500 रुपये। तो यहाँ से आप लोग घोड़े भी हायर कर सकते हो। इट्स मोर टू गो। हार्डली 200 या फिर 150 मीटर चलने के बाद आपको ये वाला प्यारा व्यू नज़र आता है जिसमें आपको ये पूरे बुग्याल दिखते हैं और दूर दूर तक मुझे ना हिमालय दिख रहा है। अगर आप देख रहे हो ना, दूर दूर तक वो हिमालय दिखने लगेंगे और ये रास्ता पूरा जा रहा है ऊपर टेम्पल के लिए। और जब ये स्नो पड़ी होती है ना तो ये पूरा रास्ता ढक जाता है, उस टाइम पर इतना प्यारा व्यू आता है ना, मतलब क्या बताऊँ मैं। थोड़ा चलने के बाद एक बड़े से स्पॉट नज़र आई है, वो देखो। और अभी इतना ऊपर हो जाना है एंड लुक एट दैट दोस ट्रीज गाइस, लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड सो यू नो सो अमेजिंग। ये देखो पूरा अलग है। अभी हम यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं गाइस, फील अल्टीमेट, फील लाइक अल्टीमेट। जय टुंगनाथ बाबा की। हमें एग्जैक्ट ऊपर जाना, वहाँ जाना, अगर आप लोगों को दिख रहा है ना, हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। और भाई मैं तो बोलूँगा ऑलवेज कैरी वाटर बॉटल लॉन्ग विद यू, बिकॉज यू नो इट्स वेरी गुड टू हैव योर बॉडी हाइड्रेटेड, एंड क्योंकि आपको चलते चलते डिहाइड्रेशन हो जाएगी विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो ऑलवेज कैरी वाटर बॉटल लॉन्ग विद यू। इस जगह को यहाँ पर बुग्याल कहते हैं, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में इनकी जो पर्सनल लैंग्वेज होती है उसमें यहाँ पर इन्हें बुग्याल कहा जाता है। जैसे आप लोग टूना टेम्पल के एंटर करते हो तो छोटी मोटी शॉप्स वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं दिखना, एंड वहाँ पर आप लोग मैगी वगैरह और चाय वगैरह पी सकते हैं। जैसे छोटी सी शॉप एक यहाँ पर है एंड देन एक शॉप मेरे पीछे है एंड देन टेम्पल जो है वो जस्ट 50 कदम दूर है मेरे यहाँ से। तो चलते दर्शन भी करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, जब तक आप लोग यहाँ आओगे तब तक रास्ता बन चुका होगा। हिमालय का जो यहाँ पे व्यू आ रहा है वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। देखो भोलेनाथ के जितने भी टेम्पल्स हैं, अगर उनमें कष्ट ना सहा तो फिर भक्ति कैसी, क्यों भाई? क्या भोलेनाथ के टेम्पल में जाने में अगर कष्ट ना सहा तो भक्ति कैसी? एग्जैक्टली बिल्कुल, भक्ति से ही कष्ट महसूस होता है और कष्ट में ही भक्ति दिखती है। अरे हम बस दर्शन, पहले दर्शन आपको हमारे माध्यम से तुंगनाथ जी के। और ये ट्रैक है साशा, ये टेंपल।
सो गाइस मेरे पीछे जैसा आप लोग देख रहे हो तो टुंगना टेम्पल है एंड दिस इज द वन ऑफ हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द माउंटेन. दिस इज लोकेटेड अराउंड 3680 मीटर एंड 12,073 फीट एल्टीट्यूड पे है और यहाँ बहुत ठंडा है. और जिसने कहा है सच कहा है कि यहाँ पे कैलाश हवा आती है. एंड अभी हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन वगैरह कर लिया एंड देन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स चंद्रशिला एंड आई थिंक इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर. मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो शिव भगवान के बाहु है लाइक हैंड्स उसकी पूजा होती है क्योंकि पंच केदार में से जहाँ जहाँ भगवान के लाइक बॉडी के पार्ट्स गिरे थे तो वहाँ पर उनकी वहाँ पूजा की जाती है. जैसे केदारनाथ में उनका हम्प गिरा था एंड देन यहाँ पर इनके हैंड्स हुए थे. तब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे आओगे तब तक ये पूरा कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हो चुका होगा. एंड गाइज ये डिस्ट्रिक्ट चमोली के अंडर में आता है. भैया परेशान हो गए हैं. जियो है तो नेटवर्क नहीं आ रहे हैं भैया को तो भैया परेशान हो गए. सो गाइस ऐसा नहीं कि हम ही लोग आ रखे हैं, भाई लोग भी चंडीगढ़ दिल्ली से आ रखे हैं. सो आई थिंक अभी आप लोगों को एक चीज रहेंगे, आप लोगों को रिपोर्ट वगैरह चाहिए आप लोगों को. हेलो एवरीवन, कोविड कीजिए आप लोग, कोविड वगैरह लाइए रिपोर्ट वगैरह. यार पुरानी है थोड़ी सी पर मेरे पास में तो देखनी पड़ेगी इंटरनेट पर. बिकॉज अगर जो सब्सक्राइबर देख रहे होंगे लाइक जो आउट ऑफ उत्तराखंड देख रहे होंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दो उनको. यार नहीं एक्चुअली क्या है ना, या तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो कोर्ट द्वार से अगर ऊपर आते हो तो वहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहे हैं, कोविड की रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं. लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि यू हैव टू बी बैक विद इन 7 days. ओके ठीक है, उस 7 दिन से कम का आप पास बनवाना फिर कोई इतना इशू है नहीं. ये अपडेट है 3 दिन पुरानी. अब अगर और कुछ, क्योंकि 23 तारीख को उन्होंने नई गाइडलाइंस जारी करी है कि कोई परमिशन नहीं चाहिए टूरिस्ट को. अब कुछ नहीं है, अब कोई परमिशन नहीं चाहिए, सिर्फ बद्रीनाथ और केदारनाथ की परमिशन चाहिए. तो उसके लिए मतलब तुम्हें सेपरेट यू हैव टू कैरी लाइक कोविड रिपोर्ट, राइट? सो जस्ट डू अ गूगल चेक कि यही वाली अपडेट अभी भी है या कुछ चेंज हो गया. थैंक यू. सो गाइस सो इट्स गुड फॉर अदर स्टेट, लाइक जो भी बाहर से देख रहे होंगे वीडियो उनके लिए बहुत अच्छा है. आप लोग भी आ सकते हैं एंड देन दर्शन कर सकते हैं. वो देखो ये पूरा चंद्रशिला के लिए जा रहा है रास्ता और मैं सत्या अब सीधा चंद्रशिला के लिए लगे हुए हैं ऊपर. सो 1 किलोमीटर टुंगना टेम्पल से ऊपर 1 किलोमीटर है. चलो करते हैं वहाँ के दर्शन भी करवाते हैं आपको. सच में ये हेवन है, किसी हेवन से कम नहीं है. दर्शन हो गए, वी आर हेडिंग बैक टू चंद्रशिला. भाई बहुत औसम हवा चल रही है. हर हर महादेव, हर हर महादेव. भाई टॉप ऑफ द चंद्रशिला, यस, और जाना वहीं पे है. यस सो गाइस जैसे तैसे पहुंच चुके हैं, तुंगनाथ जी के दर्शन हो चुके हैं. दर्शन होने के बाद दूसरी जो हमारी ट्रिप है वो है चंद्रशिला. वहाँ पे जाना बहुत अनिवार्य है क्योंकि अगर वहाँ नहीं गए तो आप तुंगनाथ माना जाता है कि ये अधूरा है. ये बोल रहा है जो भी 10-15 मिनट में पहले बोल रहा था कि हम जा नहीं रहे ऊपर, तो भाई जाना पड़ेगा. और वहाँ पे देख के तो लग रहा है कि स्वर्ग से इंद्रदेव हमें खुद ही पिकअप करने आएंगे. शॉर्टकट चले, शॉर्टकट ही चलना गाइस. एक रास्ता ये जा रहा है सीधा आगे को, वो आगे देखो, और एक रास्ता जा रहा है सीधा खड़ी चढ़ाई में, शॉर्टकट ये वाला. हम वी गोना टेक दी शॉर्टकट टू रीच चंद्रशिला. वहाँ वो टॉप में जब देख रहा ना, ये चंद्रशिला है. यहाँ से आ रहे हैं और अभी यहाँ जाना रहता है टॉप में. पहुँच गए हैं बट जो हालत खराब हुई है मेरे जस्ट ऊपर में है चंद्रशिला. फाइनली वी हैव रीच्ड देयर. गाइज अगर आप लोग चौपता आए हो एंड यू हैव नॉट कम हेयर, सो गाइज यू हैव पूरी ट्रिप बेकार है बिकॉज दिस इज हेवन. एक्चुअली दिस इज हेवन व्हेन यू सी अराउंड हेयर एंड देन यू आर गेटिंग अ फैबुलस व्यू फ्रॉम हेयर. लुक एट देयर भाई साहब, मतलब दूर दूर तक कुछ अलग ही व्यू है. यहाँ पर अलग व्यू है,
और वहाँ पर कुछ अलग व्यू है, एंड देन वहाँ देखो वहाँ पर कुछ अलग व्यू है। जन्नत में आ गए हम, लिटरली जन्नत में। भाई जन्नत है, ऊपर इंद्र लोग है, सामने हिमालय है और बीच में हम है। मतलब इस जगह को बाय कहने का मन नहीं कर रहा है। ऑलरेडी मेरा व्लॉग जो है वो बहुत लेंथी हो गया होगा, मैं नहीं चाहता कि व्लॉग थोड़ा लेंथी हो। व्लॉग एंड करने की सबसे प्यारी जगह, इससे कोई अच्छी जगह हो ही नहीं सकती, तो आई थिंक हमें व्लॉग यहाँ एंड करना चाहिए। क्या बोलता है? व्लॉग एंड भी करना चाहिए और साथ में ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अगर बंदा चोपता तक आता है तुंगनाथ भी ज़रूर आना, और भाई चंद्रशिला तो ज़रूर आना, क्योंकि जो फील आपको तुंगनाथ में मिलेगा उससे ज़्यादा ही यहीं पर मिलेगा। गाइस मिलते हैं ऐसे किसी फ्रेश व्लॉग में वंस अगेन। बी सेफ, राइड सेफ, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। दिस इज हैरी, दैट्स सत्या, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।